भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एनआरसी के समर्थन में उतरे। वहीं आपको बता दें कि जावर कजलास में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा गांव गांव नगर नगर जाकर नागरिकता संशोधन कानून 2019 के समर्थन में सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वर्तमान में मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को बनाकर गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख हर नजरिए से भारत आ सकते हैं। अगर वहां निवास नहीं करना चाहते, उन्हें नौकरी देना और उनके जीवन को सामान्य बनाना भारत सरकार का कर्तव्य है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कही, जिसमें पूर्व मंडल अध्यक्ष जयसिंह ठाकुर, दयाराम परिहार, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र केशव सिंह, तेज सिंह, कप्तान मनोज, वेद धर्मेंद्र सेंधव, बाबूलाल जाटव, जितेंद्र पाटीदार, नेताजी दरियाव सिंह मालवीय, संजय गुप्ता, घनश्याम गुप्ता आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। न्यूज इंडिया एनआईएन से अंकित हारोड़ की रिपोर्ट। ये जो भारतीय जनता पार्टी सीए और एनआरसी के समर्थन में गांव-गांव व ग्रामीण क्षेत्र व शहरों में जा रही है, इसके बारे में आपका क्या उद्देश्य है? माननीय देश में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी जो नागरिक संशोधन कानून बिल जो लाए हैं उसकी जानकारी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे सीहोर जिले के जिलाध्यक्ष श्री बड़बिया रवि मालवी जी ने निर्देश हमें दिए हैं कि डोर टू डोर कार्यकर्ताओं को घर घर जाके सीए और एनआरसी ये जो बिल आया इसके विषय में हमें बताना है, ताकि कुछ हमारे कार्यकर्ताओं को और आम जनता को भ्रमित कर रहे हैं, ताकि ये भ्रमित करने का कोई कानून ऐसा नहीं लाए हैं, नागरिकता देने का कानून लाए हैं, ना कि किसी की नागरिकता छीनने का कानून लाए हैं। तो हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ मेरे साथ हैं, हम पूरी टीम से ही तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे मध्य प्रदेश और पूरे सीहोर जिले और पूरे आष्टा विधानसभा में माननीय विधायक जी के नेतृत्व में, माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, प्रदेश के मंत्री रघुनाथ सिंह जी भाटी जी के नेतृत्व में, हम भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता घर घर जाके जावर मंडल में एक एक कार्यकर्ताओं को हम बता रहे हैं कि नागरिकता संशोधन कानून बिल जो लेके आए हैं वो किसी की नागरिकता छीनने का नहीं है, नागरिकता देने का है। कर रहे हैं कि आपकी नागरिकता छीनी जा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो आज पाकिस्तान जो हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार कर रहा है, उन लोगों को नागरिकता देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिया है और हम सब लोग उसका समर्थन करते हैं कि माननीय अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो आज नागरिक कानून संशोधन जो बिल लाए हैं, ये हमारे हिंदू भाइयों के, सिख भाई, ईसाई भाई, सबके लिए ये बिल बहुत सर्वोपरि हैं और हम उसका समर्थन करते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी हमको इतना समर्थन मिलना है, आम नागरिक भी उसका समर्थन कर रहे हैं। हम माननीय देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद।